की जरूरत को पूरा करने युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए अपने ही घर पर चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये मामला तख्तपुर थाना क्षेत्र के धोबीपारा का है, जहां कारीगर के घर हुई लाखों रुपए की सोने की चोरी का वारदात को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाने में सफलता हासिल की है और 4 लाख रुपए के गहनों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कारीगर का बेटा ही निकला, जिसने अपनी प्रेमिका के शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ साजिश रचकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी लड़का एक संजय सोनी, पिता शिव सोनी, 24 वर्ष, धोबीपारा तख्तपुर, 2 आरोपी दोस्त रमेश धुरी, पिता संतोष धुरी, 20 वर्ष, चूल्हट रोड तख्तपुर, 3 आरोपी दोस्त सदाम हुसैन, पिता शेख शमीम, 22 वर्ष, तख्तपुर। पुलिस को आरोपी लड़के संजय सोनी के निशानदेही पर उसके दोस्त रमेश धुरी के घर से माल बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई चालू कर। शिव सोनी प्रार्थी जो है, उनके घर में कल रात में सोने की चोरी हो गई। लगभग 4 लाख से अधिक के सोने के जेवरात जो है चोरी हो गए और चांदी के भी कुछ जेवर हैं जो चोरी हो गए हैं, क्योंकि कारीगरी का ये काम करते हैं। सुबह उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की और पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी पहुँचे और वहाँ पर तुरंत जाँच की गई। सूक्ष्मता से, बारीकी से जो जाँच हुई, उसमें क्लियर हुआ कि उनका जो बेटा था वो ही जो निकला और उसने अपने कुछ उधार रुपए थे उसको चुराने के लिए उसके 2 साथी थे, जहाँ उन्होंने सामान छुपा करके रखा था। पूरी रिकवरी की गई, बहुत से संदिग्धों से भी पूछताछ की गई थी, बहुत प्रयास किया इसमें पुलिस ने और तत्काल इसमें 4 घंटे के भीतर हमने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ जो मशबूका रात में चोरी हुआ था, पूरा 70% रिकवरी पुलिस की गई और 3 आरोपियों को जुडिशल।